परिवार में अगर मुसीबत आती है, पैसा की जरूरत पड़ गई, कहाँ जाए, बेटा बेटी को दूध चाहिए तो दूध कहाँ से खरीदें, फल चाहिए फल कहाँ से लाएं, सब्जी चाहिए सब्जी कहाँ से लाएं, और कोई जरूरत की चीज चाहिए कहाँ से लाएं। और इसलिए मेरी बहनों, सब बहनों मुझे ध्यान से सुन रही हो तो सुनो, अब इन सब खर्चों के लिए हर महीना 1000 रुपया मेरी बहनों को दिया जाएगा, हर बहन को 1000 रुपया। वो किसी जाति समाज की हो, वो सामान्य वर्ग की हो, वो पिछड़े वर्ग की हो, वो अनुसूचित जाति और जनजाति की हो, कोई भी बहन हो, हाँ जो बड़े परिवार है वो हम छोड़ देंगे। जैसे कोई इनकम टैक्स भरता है, कोई 5 एकड़ से बड़ा किसान है जिसके पास ज्यादा पैसा है, कोई और बड़ा आदमी है, उनको छोड़ के बाकी सब बहनों को 1000 रुपया महीना प्रारंभ किया जाएगा। उसके लिए हम अभियान शुरू कर रहे हैं। 1000 रुपया महीना मतलब एक साल में कितने हो गए, 12000, और 5 साल में कितने हो गए, 60000, 12×5=60। तो एक बहन को एक साल में 12000 और 5 साल में 60000 रुपया मिलेंगे, लगभग 12000 करोड़ रुपया साल, और 5 साल में 12×5=60000 करोड़ रुपया। ये केवल मध्य प्रदेश की बहनों के खाते में जाएगा, लेकिन मेरा विश्वास है कि इससे बहनों की जिंदगी बदल जाएगी। तो ये योजना 8 मार्च को महिला दिवस पर इसके फॉर्म भरवाना शुरू हो जाएंगे। फॉर्म भरवाओ ताकि उनकी योजना स्वीकृत करके उनको लाभ देना प्रारंभ कर सकें। मेरी बहना अगर इससे सब सहमत हो तो मेरे साथ भारत माता की जय बोलो, बोलो भारत माता की।